कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं आज बनाने जा रही हूँ दही फुल्कियाँ, जिसके लिए मैंने ये 1 कप बेसन ले लिया है। इसको मैं इस बाउल में डाल दूँगी। और ये एक ग्रीन चिली है, ये मैंने काट ली है। और ये एक छोटा साइज़ का प्याज था, इसको मैंने ऐसे बारीक बारीक काट लिया है। ये इसमें जाएगा। और स्पाइस में जाएगा ये हल्दी पाउडर है 1/2 टीस्पून, ये रेड चिली पाउडर है 1 टेबल स्पून, थोड़ा सा हरा धनिया है, और जीरा मसाला है 1/2 टीस्पून, नमक हसबे जायका मैंने लिया है, और ये सूखा धनिया पाउडर है, ये भी 1/2 टीस्पून है, और ये बेकिंग सोडा है, बेकिंग पाउडर नहीं है, ये बेकिंग सोडा है, ये भी 1/2 टीस्पून है। ये सारे इसके अंदर जाएंगे। और अब इसमें मैं पानी ऐड करूंगी थोड़ा थोड़ा करके, और इसको अच्छा खूब फेंटना है। और ये 1/2 से भी कम टीस्पून हींग की है। हींग इसमें बहुत अच्छा टेस्ट देती है, हींग इसमें लाजमी डालना अगर आप लोग बनाएंगे तो। और इसकी गुटलियां नहीं होनी चाहिए, एक स्मूथ सा बैटर बनाना है इसका। और देखिए इसको तकरीबन मैंने 3 से 4 मिनट अच्छा खूब फेंट लिया है। फेंटने से क्या होता है, ये बहुत सॉफ्ट बनेंगे, इसलिए फेंटना बहुत ज़रूरी होता है। अब इसके मैं फुल्कियाँ बनाऊँगी। और तेल हमारा रेडी हो गया। अब इसमें मैं ये चम्मच की मदद से छोटे छोटे, बहुत बड़े बड़े नहीं डालनी, छोटे छोटे डालनी है। और ये मैंने दही ले लिया है। अब इसमें मैं ये पानी ऐड करूँगी, लेकिन दही थोड़ा सा पतला होना चाहिए, क्योंकि फुल्कियाँ जब डालेंगे ना तो वो पानी पी जाएंगी फिर, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा पतला रखूँगी। और अब इसमें ये स्पाइस में ऐड करूँगी, ये जाएगा काला नमक, और ये आमचूर है, ये 1/2 टीस्पून, और इसमें ये चाट मसाला जाएगा तकरीबन 3 टीस्पून। और उधर हमारी फुल्कियाँ रेडी हो रही हैं, क्योंकि फुल्कियों को मैंने निकाल के बाहर नहीं रखना, डायरेक्ट इसको योगर्ट में डालना है, इसलिए मैं साथ साथ ये योगर्ट भी मिक्स कर रही हूँ। और देखें हमारी फुल्कियाँ बन के रेडी हो गई हैं। अब इसको मैं डायरेक्ट योगर्ट में डाल दूंगी और सेकंड पोच फिर निकालूंगी। और अब हम बनाएंगे इसका तड़का, जिसके लिए मैंने ये 2 टेबलस्पून ऑयल लिया है, और इसमें ये थोड़ा गर्म हो तो इसमें मैं जीरा डालूंगी। ये और साथ इसके जाएगी ये सूखी मिर्च। और इतनी सी हींग। और तड़का हमारा रेडी है। देखें माशाल्लाह कितनी अच्छी बनी है ये, माशाल्लाह। अब इसकी मैं गार्निश करूँगी। गार्निश के लिए यानी मैंने ग्रीन चिली ली है, ये मैंने काट के ऊपर डाल दी है, और थोड़े से टमाटो, ये जाएंगे ऊपर। देखें कितनी अच्छी लग रही, कलरफुल लग रही। और साथ इसके जाएगा थोड़ा सा प्याज, कटा हुआ बारीक थोड़ा सा प्याज। और हमारी दही फुल्कियाँ रेडी हैं। कैसी लगी मेरी आज की ये वीडियो आपको? उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को अच्छी लगी तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक भी किया करें, सब्सक्राइब भी करें, और अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर भी करें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी अगली नई वीडियो के साथ। दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।